ये दो रिमोट है मेरे पास, जिसमें से एक बंद है और एक चालू है। तो रिमोट चेक करने का सबसे इजी जो वे है वो ये है कि आप ये रिमोट्स दोनों में सेल डले हुए हैं। सबसे पहली बात तो सेल होना चाहिए रिमोट में, ये देखिए। और अब इसको आप अपना मोबाइल लीजिए, इसको आप अब अपना मोबाइल लीजिए और मोबाइल का कैमरा ऑन करना है आपको। इसे मेरा मोबाइल है, ये कैमरा ऑन कर लिया मैंने। और कैमरा ऑन करके ये जो रिमोट है उसमें जो एलईडी लगी है उसको इधर कैमरे के पीछे रखना है, उसका बटन को प्रेस करना है। जैसे आप बटन को प्रेस करोगे ना, आपको एक पल्स आती हुई दिखेगी कैमरे में, ये देखिए इसमें आ रही है पल्स, दिख रही है पल्स, ये पल्स आ रही है, मतलब आपका रिमोट चालू है, रिमोट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये खराब रिमोट को एक बार लगा के दबा के देखते हैं इसके बटन, ये देखिए कोई पल्स नहीं आ रही है इसमें, ये बटन प्रेस करने पे कोई पल्स नहीं आ रही, मतलब ये रिमोट खराब है। ये सबसे इजी वे है किसी भी रिमोट को चेक करने के लिए कि वो वर्किंग है कि नहीं, मतलब पल्स आ रही है मतलब। और फिर भी अगर आपका रिमोट नहीं चल रहा है तो आपके जो डिवाइस है, जो सेटअप बॉक्स है या फिर जो टीवी है उस पे प्रॉब्लम हो सकती है। और सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।